गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से हाजिर हो गया नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आज संडे है और 21 अगस्त है, तो हम लोग घर पे ही थे आज मॉर्निंग में। हमारा कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन तब तक मेरे पास दुर्गेश का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि चलो चलते हैं, रील शूट करके आता हूँ। उसे एक वीडियो शूट करनी थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। उसका भी एक यूट्यूब चैनल है दुर्गेश शर्मा के नाम से। वो फ़ोटो ट्रिक्स वगैरह डालता है, किस तरीके से फ़ोटो हम उसमें ले सकते हैं। फोटो बाकी उसे ही पता है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग रील वगैरह शूट करेंगे। तो मैं सोचा कि ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए, जिसमें कि आप लोगों को दिखा हम लोग कैसे रील शूट करते हैं और किस तरीके से शूट करेंगे। बाकी उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी रील को देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सर्किट हाउस आए हुए हैं और यहाँ पे हम वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा वातावरण देखिए आप, पीछे सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा शांति भी रहती है, तो यहाँ पर वीडियो शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लास्ट टाइम आपने देखा कि मेरी दो रील मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। वो रील्स भी हमने यहीं पर शूट की थी और आज भी रील शूट करेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पीछे की ये रील शूट हो रही है, यहाँ पर दुर्गेश जी रील शूट करवा रहे हैं यहाँ पर। ये दुर्गेश जी योगेश का ले रहे हैं शॉट। तो ये यहाँ पे पंकज अभी बैठा हुआ है, अभी हम लोग रील बनाएंगे। अभी खाली वहाँ पे दुर्गेश की शूट हो रही है, वहाँ पे अभी पंकज की रह गई है, भैया की रह गई है, अभी सबकी रील रह गई है खाली हमारे। तो फ्रेंड्स, पंकज का अभी एक चैनल है, किस नाम से तेरा चैनल? द राइडर शो के नाम से इसका चैनल है। तो इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छी वीडियोज डालता है, वहाँ पे बनाता है। और ये हमारे योगेश शर्मा का भी एक चैनल है, आपका किस नाम से है? डेली एक्सप्लोर योगी। बहुत ही टफ है, कोई नहीं, आप सर्च करके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, अभी भी यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाया कौन सी किसकी रील बनेगी। अभी देखते हैं किसकी कौन सी रील बनती है। रील करते करते मुझे लग गई थी प्यास, तो मैं यहाँ पे पानी पीने के लिए आया हूँ। तो ये यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है, मैं यहाँ पे पानी पीऊँगा। कोई बात नहीं, नाले का पानी सही। मेरे साथ साथ इन लोगों को प्यास लग गई और मुझे बता रहे हैं नाले का पानी पी के आया। और ये देखना यहाँ पे, ये भी नल का पी रहे हैं, नाला और नल में। आप लोगों ने देखा मैंने नाले का पानी पिया था, कहाँ का पानी पिया था, अब इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा मैंने कहाँ का पानी पिया था। कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे जिसे दिखाना था उन्होंने देख लिया, मुझे इन्हें कुछ भी सो नहीं करना। लो अब जाके इनका पानी निकला है यहाँ पे। ये अभी पंकज का सूट चल रहा है, अभी सारे ही कैमरामैन यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारे दुर्गेश कैमरामैन जो कि बहुत ही शर्माते हुए हैं इस टाइम, शर्मीली प्रवृत्ति के हैं। आए हाय, ये देखिए, आए हाय, मुस्कुरा दिए दुर्गेश जी की, आए हाय खतरनाक स्माइल। रील शूट करते करते बहुत टाइम हो गया, अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से चलने के लिए, भूख भी लग गई है पेट में। और अभी देखते हैं हमारे दुर्गेश जी हमें क्या खिलवाते हैं, खिलवाएगा नहीं खिलवाएगा वो आगे पता चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ चलने के लिए सोचते हैं। दो ढाई घंटे हम लोग यहाँ पे आए हुए, दो ढाई घंटे में मेरी एक भी रील शूट नहीं हो पाई है, इन लोगों ने दो तीन दिन कर लिए हैं, जाके फाइनली यहाँ पे वीडियो शूट हो पाई है। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। ये रही मेरी सवारी जिसमें मैं बैठूंगा, बहुत भारी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये सर्किट हाउस था, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे साथ में। देखिए पीछे गोलू आ रहा है, उसके पीछे आशीष भी आ रहे हैं। ये सर्किट हाउस का गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं यहाँ के लिए। ये पुलिस लाइन गेट नंबर 3 है यहाँ से। जैसे कि मेरा घर यहाँ पे पुलिस लाइन के पास पड़ता है, पीछे मोहनपुरी में। आज संडे है जिसकी वजह से रोड पे काफ़ी ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही हल्का बना, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है पीछे।
पे आप देख सकते हैं सारी शांति पड़ी, रोड पे सारा रोड खाली है यहाँ पे। वैसे अदरवाइज अगर किसी दिन में हम निकलते हैं तो बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि सामने कचहरी पड़ जाती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं घर आ चुका हूँ और हम यहाँ से निकले थे करीब 1:30 बजे घर से निकले थे, और अभी 4 बजे हैं और 4 बजे मैं आप पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो इतना टाइम लगा हमें वहाँ पे, और ये छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में आ रहा है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।